वीडियो देखने से पहले अपने टावर को पकड़ो और अपने तीसरे हाथ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्लेमर, तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते और अगर आप एक एडल्ट हो तो इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपके हार्मोन्स की तीव्रता भी बढ़ सकती है जिसे नियंत्रित करने के लिए आपको नजदीकी पोर्न साइट पर जाकर हिलाना भी पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले 1975 की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी सालों के बारे में, जिसे मोर देन 10 कंट्रीज में बैन किया हुआ है, जो की एक डांटेड डिवाइन कॉमेडी पोएम पर आधारित है। तो इस मूवी को बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है, परंतु मुझे भी नहीं पता ये क्यों किया गया। तो उसे मारो गोली, हम तो अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इसके फर्स्ट पार्ट एंटी इन्फर्नो से, जहाँ पर हम चार बहुत ही नीच बड़ों को बैठे हुए देखते हैं। और इन्हें मैं ये उपाधि क्यों दे रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। और ये चारों बड़वे अलग अलग पोस्ट पर विराजमान है, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट, एक ड्यूक, एक बिशप और एक मजिस्ट्रेट है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1944 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इनको इटली पर हुकूमत मिली थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे स्पिरिचुअल को निभाने के लिए एक दूसरे की कन्याओं से ब्याह कर लेते हैं। फिर हम इन चारों गांडुओं को एक बुक में साइन करते हुए देखते हैं, जिसके अनुसार ये इतने बुरे कांड करेंगे कि इनके बाप भी ऊपर से इनको गालियां बक रहे होंगे, कि इनका मानना था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये डेविल के और करीब जा सकते हैं, और ये इनका मोटिव भी था। अरे मरुचुतिया हुए, सभी कभी होता है क्या? जिसे निभाने के लिए ये अपने गार्ड्स की मदद से चार जवान लोंडो को ढूंढते हैं। उसके बाद ये इन्हें अपनी सिक्योरिटी में रिक्रूट कर लेते हैं और फिर ये नौ लड़कों को पकड़ के लाते हैं और फिर उन्हें निवस्त्र होने के लिए बोलते हैं। और जब एक आदमी उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है तो वो उसे मार देते हैं शूट करके और बोलते हैं अभी कहां जा रहा है गांडू, और फिर ये नौ लड़कियों को लाकर उन्हें भी नग्न कर देते हैं। फिर हम इवा की माँ को उसे बचाते हुए ले जाके भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद उन चार बड़ों के सिक्योरिटी गार्ड भी इनका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर इवा की माँ समझ जाती है कि वो इनसे नहीं बचने पाले और दोनों मरने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर उसकी माँ तो मर जाती है लेकिन वो लोग इवा के पकड़ के उसे बचा लेते हैं। और इस तरीके से अब उसके मेंशन में आठ लड़के और नौ लड़कियां बची हुई थी। तो इस तरीके से इस संस्कारी मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है और चलिए अब सेकंड पार्ट की माँ की आ करते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ मैनियक। और ये पार्ट भी दांते द डिवाइन पोएम पर आधारित है। इस पार्ट के शुरू होते ही हम उन चारों बड़ों को चार नई प्रोस्टिट्यूट को उस मेंशन में लाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी 17 गुलाम पहले से ही मौजूद थे। और उन प्रोस्टिट्यूट को वो आदेश देते हैं कि वो सभी एक एक आकर उन 17 गुलामों के साथ उन चारों बड़ों को भी गंदी गंदी कहानियां सुनाए, ताकि इन कहानियों को सुनकर वो गुलाम आपस में मास्टरबेट करने लगे। और फिर हमें पता चलता है कि ये चारों बेटीचोद खुद तो कानून नहीं मानते और ये इन 17 गुलामों के लिए कानून बना रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गुलाम अपने जैसे लिंग या विपरीत लिंग के साथ कुलगुलू नहीं कर सकता। और इस दौरान इन सभी गुलामों को नेगेटिव ही रहना पड़ेगा और ना ही ये भगवान का नाम ले सकते हैं, ना ही कुछ गलती कर सकते हैं। और फिर प्रोस्टिट्यूट अपने जीवन के सारे कस्टमरों के बारे में इनको बताने लगती है, जिससे गुलामों को भलाई घंटा फर्क न पड़ा हो, लेकिन वो चारों बड़े उत्तेजना से भर जाते हैं और किसी भी मेल या फीमेल गुलाम को समय समय पर खुराक देने के लिए कमरे में भी ले जाते हैं। और फिर इस प्रोस्टिट्यूट की कहानी से मोटिवेट होकर वो मजिस्ट्रेट एक लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए बोलता है, और क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा छोटी होती है तो उसे पता ही नहीं होता कि मास्टरबेशन होता क्या है, और मनी मन उसे डॉग बोलने लगती है। और इन सबसे तंग आकर वो किसी तरीके से वहां से निकलकर भागने लगती है। फिर मजिस्ट्रेट के साथ साथ कुछ गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं और गार्ड्स आगे जाके उसे पकड़ भी लेते हैं, और अब वो उसके साथ क्या करेंगे हमें आगे पता चलेगा। फिर हम सभी को एक रूम में खाना खाते हुए देखते हैं। फिर एक गार्ड एक लड़की को नीचे पड़ी हुई रिंग उठाने के लिए बोलता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपना सामान उसकी तिजोरी में रख देता है। और इस प्रक्रिया को देखकर पता नहीं उस बड़े को क्या ही चुल मस्ती है कि वो अपने दोनों सेव ले जाकर उस आदमी को दे देता है और बोलता है इसे भी काटो, यानी कि समझ रहे हो ना, ये ऐसे वैसे दरिंदे जिनको कोई भी चलेगा, भले वो मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद वो चारों प्रोस्टिट्यूट उन चारों बड़ों से कहती है कि इन्हें मास्टरबेट करने की प्रक्रिया हमें सिखानी ही होगी, क्योंकि हम तो पैदाइशी टीचर हैं। और फिर वो एक डमी लेकर आकर फीमेल गुलामों को उनका हिलाने के लिए बोलती है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मजिस्ट्रेट ने मास्टरबेट करने के लिए बोला था और उसके भाग जाने के बाद गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। और फिर हम उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे उन लोगों ने गला काट कर मार दिया था। और वो सभी गुलामों को वार्निंग भी देते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका भी असर यही होगा। और फिर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो कि अपने कूलों को चेयर पे से उठा लेता है और बोलता है कि अब हमें इसमें से एक मेल और फीमेल को चूज करके उनका ब्याह कराना चाहिए। फिर वो इन दोनों का शुभ मंगल विवाह कर देते हैं और उसके बाद उन दोनों को आपस में गुलगुलू करने के लिए एक रूम में छोड़ देते हैं। और जब वो दोनों इस बात को मानकर गुलगुलू करने लगते हैं तो पीछे से उन चार बड़ों में से दो बड़ों से रहा नहीं जाता और वो वहां पर आकर उन दोनों को रोक देते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई, हाथ आया पर सामान न लगाया। फिर उसके बाद ये दोनों बड़वे उन दोनों के साथ इस क्रिया को संपन्न करने लगते हैं। उसके बाद ये चारों बड़वे उन फीमेल्स गुलामों को डॉग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, डॉग की तरह खाना खिलाते हैं। और जब एक लड़की नहीं खाती तो उसके खाने में कील मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह में से भी ब्लड आने लग जाता है। अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन, जिसका नाम
नाम था सर्कल ऑफ शेट। तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो सकता है और अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो दोस्तों अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है जहां पर सिग्नोरा मैगी नाम की सेकंड प्रोस्टिट्यूट आती है और अब वो अपने बारे में सभी को बताने लगती है। वो बताती है कि एक बार उसे अपनी माँ को ही मानना पड़ा था, जिस पर मजिस्ट्रेट बढ़वा अपनी अपाइज बुद्धि से बोलने लगता है कि सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ता है, इवन लोग बेवकूफ है जो कि माँ को ही सब कुछ अपना मानते हैं। फिर ईवा जिसकी माँ ने मूवी के स्टार्टिंग में अपनी जान का सेक्रीफाइस करके उसको बचाने की कोशिश की थी, अपनी मोम को याद करके रोने लगती है, जिस पर मजिस्ट्रेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब ईवा भगवान का नाम भी लेने लग जाती है, जो कि उन बड़वों की नजरों में एक बहुत ही बड़ा पाप था। और अब गुस्साया मजिस्ट्रेट अपना पजामा खोल के वहीं पर सबके सामने शीट कर देता है और अब वो ईवा को उसे खाने के लिए बोलता है और मजबूरन ईवा को ये डिस्कस्टिंग चीज करनी ही पड़ती है। और इस सीन को देखकर मुझे भी दीपक कलाल की एक लाइन याद आ जाती है, छोड़ो फेंड़ छो। और फिर ये चारों बड़वे रोजाना ही गुलामों को यही चीज खाने को देने लगे और खुद भी खाने लगे, इवन नाश्ते में भी उन्हें यही सब दिया जाने लगा और जो इसे नहीं खाता उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता ताकि लास्ट में उसे सबसे दर्दनाक मौत दी जा सके। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग था, जहाँ पर इन चारों बड़वे के दिमाग में भेजा ही नहीं था। और इस तरीके से अब रोजाना ये यही परोसेंगे और इन्हीं को खाएंगे और इस तरीके से अब ये सेकंड प्रोस्टिट्यूट की बात से इंस्पायर्ड होकर कभी किसी को पेलते या फिर कभी किसी से अपने ऊपर पीस करने के लिए बोलते। और एक रात ये चारों डिक्टेटर अपने सभी गुलामों की बैक देखने लगते, जहाँ पर इनका प्लान ये था कि जिसकी बैक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हुई उसको ये मार देंगे, जहाँ पर इन्हें एक लड़की की बैक पसंद आ जाती है और ये जब उसको शूट करने के लिए गन चलाते हैं तो उसमें गोलियां ही नहीं होती, जिस पर डिक्टेटर उस गुलाम को बोलता है कि हम तुम्हें इससे भी भयानक मौत देने वाले हैं। इसके बाद वो चारों बड़वे चूतियापंती का प्रदर्शन करते हुए अपने गार्ड्स या फिर गुलामों से मैरिज कर लेते हैं और फिर एक गुलाम एक डिक्टेटर को बताता है कि इस मेंशन में तुम्हारे रूल्स को तोड़ा जा रहा है, जिस पर वो डिक्टेटर जाके दो लड़कियों को साथ में सोते हुए देख लेता है। इन बड़वों के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई गुलाम साथ में नहीं सो सकते थे, जिस पर वो डिक्टेटर उन पे गन पॉइंट कर देता है, जिस पर वो लड़कियां उन्हें बताती है कि एक गुलाम और भी है जो कि एक नौकरानी के साथ सोता है और वहां जाकर चारों डिक्टेटर उसे पकड़ लेते। फिर वो चारों शूट करके उस गुलाम को भी मार देते हैं और उस नौकरानी को, और अब वो चारों बड़वे बचे हुए सभी गुलामों को एक शीट से भरे हुए टब में बिठा देते हैं। और यहीं पर ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को, जो कि है सर्कल ऑफ ब्लड, जहां पर हम उन चारों डिक्टेटरों में से एक डिक्टेटर को चेयर पर बैठे हुए देखते हैं और वो अपनी दूरबीन से खिड़की के बाहर बाकी बचे हुए तीन डिक्टेटरों को गुलामों को टॉर्चर करते हुए देखता है। और इन डिक्टेटर्स ने जो चार गार्ड अपॉइंट किए थे उनमें से दो गार्ड हमेशा उस चेयर पर बैठे हुए डिक्टेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी दो बचे गार्ड उन बाहर वाले तीनों डिक्टेटरों के साथ उन गुलामों को टॉर्चर करेंगे। फिर फर्स्ट डिक्टेटर की बारी खत्म हो जाने के बाद सेकंड डिक्टेटर उस चेयर पर आके बैठता है और बाकी तीन गुलामों को टॉर्चर करने लगता है, जहां पर वो डिक्टेटर्स मेल के पेनिस को काट देते हैं, फीमेल्स के ब्रेस्ट को काट देते हैं, किसी की आंख निकाल देते हैं और किसी की जबान काट देते हैं। ऐसा करते करते अब लास्ट डिक्टेटर आकर चेयर पर बैठता है और अब वो तीनों डिक्टेटर्स जो कि मैदान में थे एक एक करके सभी गुलामों को मार देते और अपना चूतिया पर भरा डांस करने लगते। और फिर हम दो गार्ड्स जो कि मेंशन के अंदर थे उनको डांस करते हुए देखते हैं और हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दिखा सकता हूं और इस अपने लटकते हुए तीसरे पांव से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे आगे दीजिए, क्योंकि इस स्टोरी को सुनाते सुनाते मैं भी अभी लाने की अवस्था में आ चुका हूं और इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए मुझे बाथरूम में जाना ही पड़ेगा। तो वॉशरूम में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा।